कर रहे नहीं, इसलिए तो खाली नहीं कर रहे। अगर इनकार नहीं करते तो उनको खाली कर देना चाहिए था ना। इतने दबंग है क्या ये बताइए? दबंग तो नहीं है, देखो कोर्ट का आदेश है, उसमें तो दबंग की कोई बात तक कोई। इस वक्त मेरी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव पाडला शाहपुरी में है और इस गांव से एक दुखद खबर प्रकाश में आ रही है, वो कवरेज करके आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस गाँव में कुछ अब्बासी समाज के परिवार रहते हैं, 2 से 4 घर हैं और बाकी ये जो गांव है इसमें मेऊ समाज के ज़्यादातर घर मेऊ समाज का है। अभी ये जो बुज़ुर्ग हैं, अब इनका कहना ये है कि अगर हम इनसे कब्रिस्तान को छीनें या मारपीट करें या डराएं धमकाएं तो हम पर आरोप लगाएं कि भाई मेऊ का गांव है और ये अब्बासी समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े समझदार हैं, कानून के अमन पसंद आदमी हैं और कानून का पालन करते हैं, कानून के हिसाब से ये अपने कब्रिस्तान को लेना चाहते हैं। मैयत जब जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है इनके लिए, रास्ता भी बहुत छोटा है जी। इसमें इस्लाम सनफ गफूर, फजर सनफ गफूर, खलील सनफ गफूर जी, इन तीनों भाइयों ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, इनसे हमने कई बार पूरे गांव वालों ने बल्कि सरपंच ने सब ने इनसे मिलकर कहा जी भाई इनको हटा लो, तो ये सब वादा करते रहे, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 4 महीने का जी। उसके बाद बिल्कुल नाट गए, हम नहीं हटा सकते, तुम गिरा दो आप। अच्छा, तो हम अगर गिराएंगे तो ये वही झगड़ा बनेगा, झगड़ा बनने के बाद इससे हम बचते हुए हमने SDM को ये दरख्वास्त लगाई अपने SDM फिरोजपुर का। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई इनको तुम गिरा दो। हाँ, ऐसे कहते थे वो, खुद गिरा दो अपने हाथ से, खुद गिरा दो पहले कहते थे। तो जब इन्होंने इनकार कर दिया हटने से तो हमने SDM की दरख्वास्त लगाई जी, अगर जनाब ऐसे ऐसे हमारा कब्रिस्तान घिरा हुआ है, उसके लिए रास्ता भी नहीं है जी। और उस मैडम साहब का हम धन्यवाद करते हैं जी, उन्होंने इनको बेदखल के ऑर्डर कर दिए जी। लेकिन वो वक्फ बोर्ड वालों को कहते हैं भाई वक्फ बोर्ड वाले इनसे इनको हटाओ और अपना कब्जा लो जी, लोग ये कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में आते ना जी। अब वक्फ बोर्ड वाले इस पे ध्यान ही नहीं देते, लोग उनको कोई तकलीफ तो है नहीं, तकलीफ तो हमको है गाँव वालों को, रास्ता भी नहीं निकलने को। वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो अफसरान है, क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? हम 2-3 बार चौधरी साहब गए हैं, उसने हमें आश्वासन दिया था जी, लेकिन हम उससे यही अपील करना चाहते हैं कि जनाब चौधरी साहब आप पूरे मेवात के चौधरी हैं जी, और हम भी आपको मानते हैं, आप इनको बराए मेहरबानी इनको हटवाया जाए जी और दखल लिया जाए जी। ये सारे गाँव वाले तो दोस्तों ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि मेवात के नेता जो है विकास से ज़्यादा झगड़े में विश्वास रखते हैं, एक दूसरे का झगड़ा करवाते हैं, पार्टी बनाते हैं। ये आरोप सीधा चौधरी जाकिर हुसैन पर नहीं है हमारा, लेकिन ये कॉमन सी बात है। लेकिन मैं चौधरी जाकिर हुसैन को यह कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब ये लोग आपके पास कई बार आ चुके हैं तो क्यों इनके गांव में झगड़ा करवाना चाहते हैं, जब आपके पास सारी पावर है, शासन प्रशासन आपके साथ है, आपका बोर्ड में आपका पूरा एक हिस्सेदारी है फिलहाल, जब कब्रिस्तान इनका है और उन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है तो क्यों कब्जा खाली नहीं होता? अरे कब्रिस्तान तो देखिए इंसान का आखिरी घर होता है, वैसे भी बहुत ही कबीरा गुनाह है कब्रों पर कब्जा करना। आप लोगों को कब्जा जो है हटवा देना चाहिए ताकि इस गांव में कोई झगड़ा ना बना। अभी पूरा गांव मेओ का है, यहाँ 4 घर जो है अब्बासी समाज के हैं, ये उनसे झगड़ा करेंगे तो फिर आरोप लगेगा कि भाई पूरा गांव एक तरफ हो गया और एक कुछ गरीब लोगों को पीट रहे हैं। ये सब चीज़ें बाद में होती है, लेकिन पहले आप लोगों को ये कब्रिस्तान देखना चाहिए और इसका जो है सुनोशन कराना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जनाब चौधरी साहब से भी इसको खाली कराया जाए जी। और हमारे जो SDM इस वक्त मैम साहब है, उसने ऑर्डर कर रखे हैं वक्फ बोर्ड वालों को कि इसको हटाया जाए और कब्जा लिया जाए। ठीक, ये चाहते हैं कि कब्जा खाली सर, क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या दिक्कत है? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी तक वक्फ बोर्ड इसमें नाकाम है। अच्छा, हटवाने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? नाकाम इस वजह से है कि उनको इस चीज पे ध्यान नहीं है, झगड़ा कराना चाहता है, इस चीज पे ध्यान ही नहीं है वक्फ बोर्ड का। अरे तो सरकार ने इसलिए तो इसको बनाया है, फिर काम क्यों नहीं? नहीं, बनाया तो है, लापरवाही है वक्फ बोर्ड की, चाहे तो कभी भी साफ करवा सकती है, हटवा सकती है। जानबूझ के सुनाई नहीं हो रही है? हाँ, सुनाई नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, हम कई दफा चक्कर भी काट लिए वहाँ पे। अच्छा, बाकी आश्वासन दे देते हैं आला अधिकारी से, यही हमारी अपील है कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए जी और इसको खाली करवाया जाए। ठीक है जी भाई, क्या नाम है? अलीबुद्दीन। तो क्या दिक्कत है कब्रिस्तान पे, जो कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है इसमें? सर जो देखो, जो ज्यादा ढील है वो है वक्फ बोर्ड की। अच्छा, वो वक्फ बोर्ड के सारे स्टाफ की, SDM का जो केस चला था उसने ऑर्डर कर दिया वक्फ बोर्ड के लिए जी।
तो ये इसमें वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो कभी भी खाली करा सकता है। उनके पास ऑर्डर की कॉपी हमने ऑलरेडी भेज चुकी है, अम्बाला भी भेज चुके हैं और नूह भी हम खुद जाके दे चुके हैं। चाह नहीं रहे कि झगड़ा हो जाए, अगर हम इनसे बोलेंगे आमने सामने होंगे गुस्से बिल्कुल होगा झगड़ा, हम नहीं चाहते। आप, मैं इसलिए सवाल कर रहा था इनसे ताकि इनके अंदर की भावना मुझे पता लग जाए। ये चाहते ही नहीं झगड़ा करने, ये चाहते हैं कि प्यार प्रेम से अमन पसंद से रहें और ये जो कब्जा है वो छूट जाए और हमारा कब्रिस्तान इनको, इनका कब्रिस्तान इनको मिल जाए और झगड़ा भी ना होगा हमें, ये ऐसा चाहते हैं। लेकिन वो लोग कब्जा छोड़ते नहीं, ये कब्जा छुड़वाना चाहते हैं। शासन प्रशासन के जो लोग, जो अधिकारी बैठे हैं, वो सुनाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दादाजी क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये जी, ये खाली होगा कब्रिस्तान, खाली होगा। अच्छा, कितने दिन से कब्जा है? कब्जा इनका 12-13 साल का, 15 साल हो गया। फिर मैयत कहाँ ले जाते हैं? बस जी इन खेतन में दिखा रहा हूँ। रास्ता कब्जा है क्या इनका? रास्ता पूरा रास्ता जी, कब्रिस्तान का जो रास्ता उस पर कब्जा है? सब में कब्जा है। अच्छा, ये फिर नहीं है तो इसके साथ साथ रुकनी कब्जा जी। जी अंकल, हम इसको हटवाना चाह रहे हैं जी। बड़ी तकलीफ है हमें, ये बड़ी गंदगी कर रखी है इन कब्रिस्तान में। उल्टा सुलटा बोलते हैं, हम कहते हैं भाई इसमें गंदगी मत करो, ये उलट सुलट गाली वाली देते हैं। इसके हम मतलब ये दो चार घर, ये झगड़ा हम झगड़ा से डरते हैं जी। इनकार कर रहे हैं, नहीं इसलिए तो खाली नहीं कर रहे। अगर इनकार नहीं करते तो उनको खाली कर देना चाहिए था ना। इतने दबंग है क्या ये बताइए? दबंग तो नहीं है, देखो कोर्ट का आदेश है उसमें तो दबंग की बात कोई। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ और इसी गांव के नौजवान साथी जुड़े हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि नौजवान हैं, खून भी गर्म है, वाके बावजूद भी ये झगड़ा नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। तो भाई क्या दिक्कत है? कब्रिस्तान का कब्जा जिन लोगों ने कर रखा क्यों नहीं छोड़ते? वो छोड़ते नहीं जी, बस वो पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो। उनसे हमने भाई बिरादरी तौर पर भी बात कर ली और वैसे भी आस पास के गाँव के भी लोग इकट्ठा करके बोल दिया उनसे, लेकिन वो नहीं सुनाई कर रहे, मानते नहीं जी। मुस्लिम भाई आप बताइए। बताइएगा जनाब, मसला ये है वो जो रास्ता है उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, पूरा दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है जी। उसी की वजह से वो रास्ता नहीं बन पा रहा है, जब से फिरनी बनी है अभी तक वो रास्ता बना नहीं है कभी भी, इसीलिए वो बैकवर्ड इलाके में गया रास्ता पूरा। वो नीम के पेड़ से रास्ते को रोक रखा फिर नीम का पेड़, नीम का पेड़ की भी कह रहे हैं हमारा पेड़ है। तो इनसे सरपंच भी डरता है क्या? नहीं सरपंच कुछ कहते हैं, फिर नहीं किसने बनवाई थी? वो अपनी नहीं बनी वहाँ, वो हर बार वो पोर्शन छूट जाता है वहाँ से। मसला ये उनसे कई बार कह लिया नहीं मान रहे, इसलिए आपको बुलाया आज, थोड़ा इसके माध्यम से लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल जी। क्या नाम है? मेरा नाम शौकत है सर। जो चार पांच अब्बासी समाज के जो भाई रहते हैं यहाँ पे, कब्जा इन्होंने किया हुआ है, आए भी सामने भी नहीं आए लोग, तो फिर इनको पता है ना सर इनको कि ये कब्जा कर रखा है इनने। अच्छा, और अब मामला कोर्ट में भी पहुंच गया और ऑर्डर भी हो गए। हाँ। अब तो इनको लग रहा है कि अब अब तो मैं इनको यही कहूँगा, फूटे गए। अब मैं तो इनको यही कहूंगा कि जी अब हमारे काम और शोहरत को देख के अब ऐसे लग रहा है आप गुंडे शहर छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा, इनको पता चल गया कि कोर्ट का ऑर्डर हो गया, अब खाली होएगा। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।